वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिकोडर वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने सबसे पहली चीज ये देखी कि डिकोडर जो होता है इंटरनली एक डीमल्टीप्लेक्सर की तरह ही होता है। बस जो डीमल्टीप्लेक्सर का इनपुट हुआ करता था वो डिकोडर में एक एनेबल सिग्नल बन जाता है, और डिपेंडिंग अपॉन डेसिमल वैल्यू ऑफ इनपुट हमारा वन ऑफ द आउटपुट एनेबल हो जाता है। डिकोडर का जनरली नेमिंग कैसा होता है, एन क्रॉस टू टू द पावर एन डिकोडर होता है, जिसमें एन इनपुट लाइंस होती हैं और टू की पावर एन आउटपुट लाइंस होती हैं। अब हमने ये देखा था कि दो तरह के सिग्नल होते हैं, एक्टिव हाई और एक्टिव लो, जैसे कि पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक। एक्टिव हाई में हम ये बोलते हैं कोई सिग्नल एक्टिवेट तब होता है जब उसकी वैल्यू लॉजिक 1 होती है। एक्टिव लो में कोई सिग्नल एक्टिवेट तब होता है जब उसकी वैल्यू लॉजिक 0 होती है। तो हमने एक्टिव हाई डिकोडर्स की बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हमने बोला था कि किसी भी इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए एट अ टाइम एक आउटपुट 1 होगा और बाकी सारे आउटपुट होंगे 0। इसके अलावा हमने ये देखा डिकोडर का हर आउटपुट एक मिनटर्म को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 2 क्रॉस 4 डिकोडर में y0 जो है वो m0 है, y1 m1, y2 m2 और y3 m3। इसी तरीके से मिनटर्म्स का सम लेके कोई भी लॉजिक एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो डिकोडर कैन बी यूज्ड टू इंप्लीमेंट एनी लॉजिक एक्सप्रेशन। और इसी पे बेस मैंने क्वेश्चन भी दिया था लास्ट लेक्चर के एंड में कि हमें एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है f a b c इक्वल टू a प्लस b। मैंने ये बोला था जितने इनपुट वेरिएबल होते हैं उतने ही इनपुट टर्मिनल होने चाहिए डिकोडर के अंदर, तभी कोई लॉजिक फंक्शन इंप्लीमेंट हो सकता है। तो यहाँ कौन सा डिकोडर लगेगा, 3x8। लेकिन उसका यूज करने से पहले इसे कैनोनिकल एसओपी में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो देखो कैसे करोगे, मैंने बताया था मिन टर्म्स निकालने का एक आसान तरीका है। यहाँ ए को तो मान रखोगे क्योंकि ए है, ए बार होता तो जीरो, बी और सी कुछ भी हो सकते हैं, तो एक्स एक्स, यहाँ ए प्रेजेंट नहीं है तो एक्स बी और सी होंगे 1 1। अब देखो कौन कौन से मिन टर्म आ गए, 0 1 1 यानी कि 3 1 0 0 4 1 0 1 5 1 1 0 6 1 1 1 7। तो ये 5 मिनटम इसके अंदर ऐड हो रही है 3 4 5 6 7। और हमें पता है डिकोडर का हर आउटपुट क्या होता है, मिनटम को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं एक 3x8 डिकोडर बना लेता हूं, ठीक है। तो इसके अंदर 3 इनपुट हो जाएंगे i2 i1 i0, और एक एनेबल इनपुट जो कि रखना पड़ेगा 1 ताकि एनेबल्ड रहे। एनेबल एक्टिव लो भी ले सकते हो, तब उसे 0 रखना पड़ेगा। अब यहां हमारे पास आउटपुट होंगे y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 और y7। तो ये 8 आउटपुट की लाइन चली जाएंगी। ठीक है, अब हमें क्या पता है इसमें से 5 मिनटर्म्स को हमें ऐड करना है। तो देखो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वाली मिनटर्म्स में ले आया, सम करने का मतलब और गेट लगाना है, और ये आ गया फंक्शन f। ठीक है, तो हमेशा क्या करना, कोई भी लॉजिक फंक्शन दिया है उसे एज अ सम ऑफ मिनटर्म्स एक्सप्रेस कर लो, और जो जो मिनटर्म्स लॉजिक एक्सप्रेशन में आ रही हैं उनके आगे क्या लग जाएगा, एक और ये। ठीक बात है, तो इस तरह से जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन लिया था उसका सलूशन ये होगा, और ये फाइनल फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, इनपुट्स पे मार्क कर दोगे ए बी और सी। ठीक है, ये 3 इनपुट आ जाएंगे। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था उसकी बात। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बोला था, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव लो डिकोडर की। एक्टिव लो डिकोडर का मतलब क्या होता है, जिसके आउटपुट्स क्या होने चाहिए, एक्टिव लो आउटपुट होने चाहिए। एक्टिव लो का मतलब कोई आउटपुट एक्टिव होने का मतलब है वो आउटपुट 0 जाएगा। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट सेटिंग डालना एक्टिव लो डिकोडर, एक्टिव लो
डिकोडर, तो इसमें लिखना इन एक्टिव लूप डिकोडर, इन एक्टिव लूप डिकोडर व्हेनेवर, इन एक्टिव लूप डिकोडर व्हेनेवर एनी आउटपुट इज एक्टिवेटेड, व्हेनेवर एनी आउटपुट इज एक्टिवेटेड द वैल्यू ऑफ दैट आउटपुट टर्मिनल, whenever any output is activated, the value of that output terminal is zero, and rest of the outputs are one, and rest of the outputs are one. जैसे देखो 2 cross 4 decoder की बात करें, अगर 2 cross 4 में कितने input होते हैं? 2 input होते हैं हमेशा, I1, ये दो इनपुट हो गए। अब एक्टिव लो के लिए ये मान लो कि एनेबल सिग्नल भी सपोज एक्टिव लो ले रहा हूं, तो यहां क्या लिखूंगा, एनेबल बार, या इसको चिप सिलेक्ट भी बोलते हैं, तो सीएस बार। कितने आउटपुट होंगे? 4 आउटपुट, वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई। लेकिन एक्टिव लो है तो इनके आगे बबल दिखाओगे। मैंने ये चीज पहले भी बताई थी, एक्टिव लो वाले के आगे क्या दिखाया जाता है, बबल दिखाते हैं। अब बबल को देखो कैसे समझ सकते हो, बबल का मतलब होता है इन्वर्शन, ठीक है, बबल का मतलब क्या होता है, इन्वर्शन। तो दो इनपुट दिखा देता हूं, इस सर्किट को थोड़ा और ओपन करके मैं बना रहा हूं। यहां है एनेबल बार, अभी जो आउटपुट ली है ना, वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई, बबल लगा है, इसका मतलब इसके आगे इन्वर्टर लगा है। ये बात समझ आ रही है? इन्वर्टर लगाने से क्या होगा, देखो पहले हम बोल रहे थे एक आउटपुट वन और बाकी के सारे जीरो, एक्टिव हाई में ये बोल रहा ना, एक आउटपुट वन और बाकी के सारे जीरो। अब कॉम्प्लीमेंट ले लो इसका या इन्वर्जन कर दो, तो क्या बोलोगे, एक आउटपुट जीरो और बाकी के सारे वन, ठीक है। यही फंडा होता है एक्टिव लो का, एट अ टाइम एक आउटपुट जीरो रहता है और बाकी के सभी आउटपुट वन हो जाते हैं। अब देखो हमने ये बोला था एक्टिव हाई में हर आउटपुट एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट करता है, यानी y नॉट पे क्या मिल रहा था, मिन टर्म जीरो, y1 पे मिन टर्म वन, मिन टर्म टू, मिन टर्म थ्री। लेकिन अब आगे क्या लग गया, इन्वर्टर, और हमें ये पता है मिन टर्म का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इट इज इक्वल टू मैक्स टर्म, तो ये हो गया एम वन, एम टू, एम। तो जैसे एक्टिव हाई डिकोडर में हर आउटपुट एक मिनटम को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही एक्टिव लो में हर आउटपुट क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्स टर्म। तो जैसे एक्टिव हाई में कोई भी एसओपी एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ऐसे एक्टिव लो में कोई भी पीओएस एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट लिखना, इन एक्टिव लो डिकोडर, इन एक्टिव लो डिकोडर all the outputs are complement of, in active low decoder all the outputs are complement of active high decoder, active high decoder, and hence each output in active low decoder, each output in active low decoder represents a max term। अब देखो अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाए, एक इनपुट है एनेबल बार, दो इनपुट है आई वन आई नॉट, और चार आउटपुट है वाई थ्री वाई टू वाई वन वाई नॉट, ठीक है। एनेबल को या डिकोडर को एनेबल करने के लिए, एनेबल कैसा है, यहां पे एक्टिव लो सिग्नल है, यानी जीरो पे एनेबल करेगा, तो अगर एनेबल को वन रख दिया गया तो डिकोडर एनेबल नहीं होगा, और डिकोडर एनेबल नहीं होगा तो सारे आउटपुट क्या आएंगे, वन। सभी वन आने का मतलब सब है डी एक्टिव। एक्टिव लो का क्या मतलब है कि एक्टिव तब होगा जब कोई सिग्नल लो होगा, तो एक्टिव लो होने का मतलब है कि कोई भी आउटपुट एनेबल तब होता है जब वो जीरो होता है। तो हमने क्या कर रखा है, डिकोडर को डिसेबल कर रखा है,
सारे आउटपुट डिसेबल किस वैल्यू पे होंगे, 1 पे, एनेबल किस पे होंगे, 0 पे। अब मान लो एनेबल 0 कर दिया तो डिकोडर एनेबल हो गया। अब ये चार कॉम्बिनेशन ले सकता है इनपुट के, 1, ठीक है, दो इनपुट के चार कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, लेकिन उसके लिए डिकोडर को एनेबल करना जरूरी है। 0 0 पे कौन सा आउटपुट सिलेक्ट होगा, वाई नॉट, तो वाई नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 1 पे कौन सिलेक्ट होगा, वाई वन, तो वाई वन हो गया 0, बाकी सभी 1, 1 0 पे वाई टू और 1 1 पे वाई थ्री, ठीक है। तो एक्टिव लो के अंदर एक समय पे एक आउटपुट 0 होता है और बाकी के सारे 1 होते हैं। अब देखो जीरोस की टर्म में जो एक्सप्रेशन लिखते हैं उसे बोलते हैं POS। तो वाई नॉट 0 कहां पे है, 0 वाली वैल्यू पे, तो इसको क्या लिखोगे, a प्लस बी या i1 प्लस i0, ऐसी y1 किस पे है, 0, 0 1 वाले पे, 0 1 वाले का मतलब क्या है, i1 प्लस i0 बार। मैक्स टर्म लिखते हुए क्या करना पड़ता है, 1 को 0 बनाना पड़ता है, तो i0 1 है तो उसका क्या ले लिया, बार y2 क्या होगा, 1 0 पे है तो i1 बार प्लस i0, y3 1 1 पे है i1 बार प्लस i0 बार। तो ये है मैक्स टर्म 0, मैक्स टर्म 1, मैक्स टर्म 2, मैक्स टर्म 3। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि ये एक्टिव लो डिकोडर का हर आउटपुट क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे एक्टिव हाई डिकोडर में कोई एसओपी एक्सप्रेशन बन सकता है, ऐसे एक्टिव लो में कोई भी पीओएस एक्सप्रेशन बन सकता है। तो एक बार ये पॉइंट में लिख लो, इन एक्टिव हाई डिकोडर एनी एसओपी एक्सप्रेशन कैन बी इंप्लीमेंटेड, इन एक्टिव हाई डिकोडर any SOP expression can be implemented and in active low decoder any POS expression can be implemented ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखना इस पे, क्वेश्चन ऐसा लिखो, विच एलईडी विल ग्लो। देखो इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन हमने एक्टिव हाई में भी देखा था, लेकिन अब ध्यान देना, अब की बार मैंने एलईडी को उल्टा कर दिया है। देखो किसी भी डायोड को फॉरवर्ड बायस करने के लिए क्या चाहिए होता है, कि उसके एनोड पे हाई वोल्टेज लगे और कैथोड पे लो वोल्टेज लगे, सही बात है, यही तो चाहते हो, फॉरवर्ड बायस करने के लिए एनोड पे ज्यादा वोल्टेज हो और कैथोड पे कम। अब एक्टिव लो क्या करता है, आउटपुट को जीरो करता है, यानी आउटपुट को लो करता है, लो कहां लगना चाहिए, कैथोड पे, इसीलिए आउटपुट से क्या जोड़ रहे हैं, कैथोड। ऐसे एक्टिव हाई में आउटपुट क्या होता है, हाई होता है, हाई कहां लगना चाहिए, एनोड पे, तो आउटपुट से क्या जोड़ रहे थे, एनोड, ठीक है। अब कनेक्शन हमें कुछ ऐसा गिवन है, ठीक है, यहां है बार। अब सबसे पहली चीज देखो, एनेबल बार को ग्राउंड किया है, अगर एनेबल बार को जीरो किया है इसका मतलब है डिकोडर एनेबल हो गया, ठीक है। एक्टिव लो को एनेबल करने के लिए क्या देना पड़ता है, जीरो, और डिकोडर एनेबल हो गया तो इनपुट देखो आई वन आई नॉट क्या लगा है, 1 0, तो 1 0 का मतलब डेसिमल में क्या होता है, 2 होता है, 2 ऑन अ बेस ऑफ 10, तो कौन सा आउटपुट एनेबल होगा, y2 एनेबल हो गया, इसका मतलब y2 क्या हो जाएगा, 0। तो दूसरी वाली एलईडी को देखो, इसके कैथोड पे 0 लग रहा है, एनोड पे हाई लग रहा है, बाकी कोई भी आउटपुट क्या रहेगा, 1, 1 का मतलब है हाई वोल्टेज, दोनों तरफ हाई वोल्टेज है तो ये फॉरवर्ड बायस नहीं हो सकता, लेकिन इसमें एनोड पे हाई कैथोड पे लो, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये वाली एलईडी हमारी ग्लो कर जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, एक्टिव लो आउटपुट
क्या जोड़ा जाता है एनओ, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, फाइंड द आउटपुट ऑफ द सर्किट, फाइंड द आउटपुट ऑफ द सर्किट, ठीक है। ये मैंने एक्टिव लो डिकोडर लिया है, अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, y1 और y2 पे एंड गेट कनेक्ट करके दे रहा हूं और y0 और y3 पे एक नैंड गेट कनेक्ट करके दे रहा हूं। अब मुझे जानना है क्या आउटपुट आता है दोनों लॉजिक गेट का, ठीक है। एक बार ट्राई करूं वीडियो पॉज करके, फिर इसको कंटिन्यू करना, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, पहले तो एनेबल बार को सपोज मुझे ग्राउंड करना पड़ेगा तभी ये डिकोडर चल सकता है, अदरवाइज ये डिकोडर काम नहीं करेगा। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, हर आउटपुट पे क्या आती है मैक्स टर्म, तो यहां आ रहा है कैपिटल एम वन एम टू एम नॉट M3। तो अगर इसका आउटपुट F1 है, F1 क्या ले रहा है एंड ले रहा है M1 और M2 का, तो इसको लिख सकते हो पाई M1 कॉमा 2। और जो दूसरा आउटपुट है सपोज वो F2 है, F2 क्या कर रहा है M0 और M3 का एंड लेके बाहर ले रहा है, यानी नैंड ले रहा है, तो इसको अगर डी मॉर्गन लॉ लगाओगे ये हो जाएगा, तो ये हो गया एम नॉट प्लस एम थ्री, तो ये वाला एक्सप्रेशन हो गया पीओएस और ये हो गया एसओपी, यानी एंड गेट कैसा एक्सप्रेशन दे देता है पीओएस और नैंड गेट कैसा एक्सप्रेशन दे देता है एसओपी। तो वाला एक पॉइंट लिख लो, बाय कनेक्टिंग अ एंड गेट एट द आउटपुट, by connecting a AND gate at the output of active low decoder, output of active low decoder, we get a POS expression and with the help of NAND gate we get SOP expression. With the help of NAND gate, we get SOP expression. ऐसे ही देखो, हमने ये बोला था active high decoder में अगर OR gate लगता है तो क्या देता है SOP, और अगर NOR gate लगता है तो क्या देता है POS। ये चीज देखो मैं यहां भी प्रूफ कर सकता हूं, वो कैसे, NAND gate को एक और नाम से जानते हैं bubbled OR, ऐसे तो लिख सकते हो NAND गेट को कि इनपुट बबल करके क्या लगा दिया, और अब देखो बबल से बबल कैंसिल हो गया, अगर बबल आउटपुट का कैंसिल हो गया ये क्या बन गया एक्टिव हाई, एक्टिव हाई में और गेट लगने से क्या बनता है एसओपी, ठीक है। तो क्या हो सकता है NAND गेट को रिप्लेस कर दो इन्वर्टेड इनपुट और या बबल्ड और गेट से, तो बबल से बबल कट जाएगा, एक्टिव लो डिकोडर क्या बन जाएगा एक्टिव हाई, और एक्टिव हाई पे और गेट से क्या मिलता है एसओपी। तो बातें दोनों सेम है, एक्टिव हाई में और गेट से एसओपी, नॉर गेट से पीओएस, ऐसे एक्टिव लो में एंड गेट से पीओएस, नैंड गेट से एसओपी। ऐसे देखो अगला क्वेश्चन, अगर मैं यहां एंड गेट की जगह और गेट लगाता और यहां नॉर गेट लगाता, अब क्या होता, अब देखो जो पहला एक्सप्रेशन आता वो M1 M2 का एंड ना आके वो क्या आता M1 और M2 का और आता, ठीक है। तो यहां क्या लिखते M1 प्लस M2, अब M1 क्या होता है देखो, M1 होता है A प्लस B बार, M2 होता है A बार प्लस B,
ए प्लस ए बार और बी प्लस बी बार दोनों क्या होते हैं वन, तो ये क्या आ गया वन। ऐसे इधर क्या आता एम नॉट प्लस एम थ्री कब आ, नॉर गेट क्या करता है और लेके इन्वर्जन। इसको अगर मैं डायरेक्ट लिखूं एम नॉट का बार डी मॉर्गन लॉ लगा रहा हूं एम थ्री का बार एम नॉट एम थ्री दो मिनटर्म्स का प्रोडक्ट होता है जीरो। तो ये ध्यान रखो कि कभी भी दो मैक्स टर्म्स का अगर और ले लोगे तो वो हमेशा वन आएगा और दो मिनटर्म्स का अगर एंड ले लोगे वो हमेशा जीरो आएगा। ये वाला भी पॉइंट लिखो बाय कनेक्टिंग और गेट by connecting OR gate at the output of active low decoder OR gate at the output of active low decoder we get 1 we get 1 and by connecting a NOR gate and by connecting a NOR gate we get 0 by connecting a NOR gate we get 0। तो अब देखो इस चीज को मैं समराइज कैसे कर सकता हूं। मेरे पास इसको रट के जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास दो तरह के डिकोडर हैं। कौन कौन से दो टाइप के डिकोडर हैं, एक्टिव हाई और एक्टिव लो, ये दो टाइप के डिकोडर हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से गेट मैं जोड़ सकता हूं, और NOR एंड NAND। एक्टिव हाई में और जोड़ने से मिलता है SOP और NOR जोड़ने से मिलता है SOP का कॉम्प्लीमेंट यानी POS। एंड जोड़ने से मिलता है जीरो, NAND जोड़ने से मिलता है वन। एक्टिव लो में और जोड़ने से वन, NOR जोड़ने से जीरो, एंड जोड़ने से POS और NAND जोड़ने से। तो इस तरह के एक्सप्रेशन आते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा गेट हमने कनेक्ट किया है एट द आउटपुट। लेकिन ये रट के जाने की जरूरत नहीं है, याद करो मैंने लॉजिक गेट के अंदर ये भी बताया था जब हमने मिनटर्म्स वाली बात की थी कि अगर मिनटर्म्स के ऊपर एंड गेट लगेगा तब क्या होगा, और गेट लगेगा तब क्या होगा, एक्सओआर लगेगा तब क्या होगा। तो डिकोडर क्या है, डिकोडर के सभी आउटपुट क्या है मिनटर्म या मैक्स टर्म। तो उनके ऊपर जो भी लॉजिक गेट लग रहा है उसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लॉजिक गेट अगर मिनटर्म या मैक्स टर्म पे लगाया जाए तो उसका इंपैक्ट देखने क्या मिलता है। मैंने बोला था और के अंदर सभी मिनटर्म्स का यूनियन होता है, एंड में इंटरसेक्शन होता है, जोर में अनकॉमन टर्म्स आ जाती है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो सेम चीज यहां यूज होती है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर दिया था, अगर सेम क्वेश्चन एक्टिव लो डिकोडर से पूछा जाए तो क्वेश्चन लिखो इंप्लीमेंट एफ ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू ए प्लस बी सी यूजिंग 3:8 एक्टिव लो डिकोडर 3:8 एक्टिव लो डिकोडर। अब इसको हमने किसमें कन्वर्ट किया था, देखो हमने इसको मिनटर्म्स में कन्वर्ट कर लिया था वन एक्स 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 वन वन, तो कौन कौन सी मिनटर्म आ गई थी, जीरो वन वन आ गई थी, थ्री वन जीरो जीरो फोर वन जीरो वन फाइव वन वन जीरो सिक्स और वन 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 सेवन। इसी को पीओएस में कैसे लिखोगे, तो जो मिनटर्म्स गायब होती है वो सारी क्या होती है मैक्स टर्म जीरो वन टू। तो अगर पीओएस में आ गया तब इसे किससे इंप्लीमेंट कर सकते हुए, एक्टिव लो डिकोडर से। अगर मिनटर्म में है तो एक्टिव हाई और मैक्स टर्म में है तो एक्टिव लो। तो तीन इनपुट होंगे आई टू आई वन आई नॉट ए बी सी, और यहां एनेबल बार है। अगर डिकोडर को चलाना है तो एक्टिव लो को क्या रखोगे जीरो, एक्टिव हाई होता तो क्या रखते वन। अब इसमें आठ आउटपुट आएंगे वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव वाई सिक्स और वाई सेवन।
हर एक आउटपुट एक्टिव लो है, तो एक बबल लगा के बाहर दिखा दो, क्योंकि एक्टिव लो डिकोडर का यूज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, एक्टिव लो एक्टिव हाई का एनेबल से कोई लेना देना नहीं होता। एनेबल मैंने मान लिया एक्टिव लो, यहाँ एक्टिव हाई भी मान सकते हो। अब कौन कौन सी मैक्सिमम्स चाहिए, 0, 1, 2, उनका प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या करना पड़ेगा, इसे एंड गेट में पास करना पड़ेगा, तो ये आ गया एस, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं सेम लॉजिक एक्सप्रेशन जो आज हमने एक्टिव हाई से बनाया था, वही एक्सप्रेशन एक्टिव लो से भी बन सकता है। बस ये ध्यान रखो, एक्टिव हाई में क्या यूज होता है, मिन टर्म, और एक्टिव लो में मैक्स टर्म। यानी एक्टिव हाई क्या देता है, एसओपी एक्सप्रेशन, और एक्टिव लो क्या देता है, पीओएस, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 3:8 डिकोडर अलग से नहीं पढ़ रहे, ये चीज तुम्हें अब क्लियर होनी चाहिए कि जब 3:8 एक्टिव लो डिकोडर की बात करूंगा तो 8 आउटपुट आएंगे, 8 में से एक समय पे एक 0 होगा और बाकी सारे क्या होंगे, 1, ठीक है। और हर एक आउटपुट क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक मैक्स टर्म। तो इसके अंदर अलग से कोई थ्योरी नहीं है 3:8 में, जब जो 2:4 है उसी को आगे एक्सटेंड कर सकते हो, या ये कह दो जो 3:8 एक्टिव हाई में पड़ा था उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया और कुछ भी नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 3:8 एक डिकोडर दे रखा है, आउटपुट बताना है अगेन, ये हमारे पास एक 3:8 डिकोडर है, 3 इनपुट है इसके, I2, I1, I0, ठीक है। 3 इनपुट कनेक्टेड है A, B, C, इसके 8 आउटपुट है Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, ठीक है। इनके आगे बबल नहीं दिखाया, माने कौन सा डिकोडर है, एक्टिव हाई डिकोडर की बात हो रही है। ये एक एक्सोर गेट लगा, एक्सोर के आउटपुट को एक एक्स नॉर में पास किया गया, और एक्स नॉर के आउटपुट को एक नॉर गेट में पास किया गया। ये फंक्शन दिया है F1, ठीक है। अब ये Y4 और Y5 को एक XNOR में पास किया, ठीक है। 6 और 7 को एक XOR में पास कर रहा हूं, ठीक है। और बाद में ये दोनों किस में जा रहे हैं, ये एक XNOR गेट में जा रहे हैं, और ये है F2। मुझे F1 और F2 बताना है इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म और मैक्स टर्म। इसमें वाला पॉइंट क्वेश्चन में आके लिख लो, एक्सप्रेस F1 and F2 as a sum of mean terms or product of max term, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो अगर अटेम्प्ट करना चाहते हो, जो कि बेटर तरीका है कि पहले खुद अटेम्प्ट करो, तो वीडियो को एक बार पॉज करो, और अगर अटेम्प्ट कर चुके हो तो हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो Y0 पे क्या मिलेगी, मिन टर्म M0, तो मैं लिख लेता हूं M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7। अब मिन टर्म में जब लॉजिक गेट लगते हैं तो तुम्हें सिर्फ 3 लॉजिक गेट याद रखना है, एंड और XOR। एंड में मैंने बोला था इंटरसेक्शन लेते हैं, और में यूनियन, XOR में अनकॉमन टर्म्स, ठीक है। इसके अलावा किसी लॉजिक गेट पे मत जाओ, क्योंकि एंड का कॉम्प्लीमेंट है NAND, और का कॉम्प्लीमेंट NOR, और XOR का कॉम्प्लीमेंट XNOR, ठीक है। अब देखो सबसे पहला XOR है, M0 और M1 में अनकॉमन क्या है, दोनों ही इंडिविजुअल है ना, M0 और M1 कॉमन तो नहीं है। कहने का मतलब देखो, अगर मैं ऐसा कहता सिग्मा M01 XOR with सिग्मा M1, अब इसमें अनकॉमन क्या होता, अनकॉमन है 0 और 2, 1 तो कॉमन है ना,
याद रखना, ठीक है। तो अनकॉमन देखना है। अब एक में मिनटर्म जीरो, एक में मिनटर्म वन है, कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो दोनों ही आ जाएंगे सिग्मा एम जीरो वन। अब देखो इसमें क्या करो, इस एक्सोर को चेंज कर लो, एक्स नॉर को ऐसे दिखा दो, एक्सोर प्लस नॉर। अब देखो एक है मिनटर्म जीरो और वन, एक है टू, जीरो वन और टू में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इधर क्या आ जाएगा, सिग्मा एम जीरो वन टू, ठीक है। कॉमन मतलब जो मिनटर्म कॉमन होती है उसे हटा दिया जाता है और बाकी की मिनटर्म्स को लिख देते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, देखो सिग्मा एम जीरो वन टू कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब एम नॉट प्लस एम वन प्लस एम टू कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉ लगाओ, एम नॉट बार डॉट एम वन बार डॉट एम टू बार, मिनटर्म का कॉम्प्लीमेंट होता है मैक्स टर्म, तो सिग्मा एम जीरो वन टू का कॉम्प्लीमेंट हुआ कैपिटल एम जीरो वन। या अगर इसे मिनटर्म में लिखना है तो बची हुई सारी मिनटर्म आ जाएंगी थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। यानी कभी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं अगर, तो बची हुई टर्म्स जो आती है वो सारी किसमें हो जाती है, कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को सपोज मैं बोल देता हूं एक्स, एक्स में क्या मिल जाएगा हमें, सिग्मा एम थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये मिल गया। अब उसका एम थ्री के साथ नॉर हो रहा है, नॉर का मतलब है और प्लस नॉट, तो एक्स प्लस एम थ्री बार। अब देखो x प्लस एम थ्री और भी यूनियन लेते हैं, तो सारी मिनटर्म्स का यूनियन ले लो। अब 3 तो पहले ही प्रेजेंट है, 3 के साथ ही यूनियन ले रहे हो, तो यही आ जाएगा ना। यूनियन का मतलब होता है सारी दोनों में मिला के जितने मिनटर्म्स है सबको कलेक्ट कर लो, तो ऊपर है 3 4 5 6 7, नीचे है 3, तो सारी मिला के क्या हुई 3 4 5 6 7। लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट में बची हुई मिनटर्म आ जाती है, तो सिग्मा एम जीरो वन टू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ वन की वैल्यू होगी सिग्मा एम जीरो वन टू। अब ऐसे ही आगे चलते हैं, देखो यहां एम फोर और एम फाइव का क्या है, एक्स नॉर, तो एक्स नॉर क्या लेता है अनकॉमन, फोर और फाइव में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिग्मा एम फोर फाइव बार। बार लेने से क्या होता है, अगर ये सिग्नल में वाई लिखूं तो वाई क्या होगा, बार लेने से बची हुई सारी मिनटर्म्स लिखी जाती हैं 0 1 2 3 6 7, ठीक है। अब नीचे नीचे है एक्सोर, एक्सोर क्या लेता है अनकॉमन, 6 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां आ गया सिग्मा एम 6 7। फिर है एक्स नॉर, एक्स नॉर में क्या होता है, एक्सोर प्लस नॉट, एक्सोर क्या करता है अनकॉमन लेता है, नीचे है 6 7 और ऊपर है 0 1 2 3 6 7, तो F2 क्या होगा अनकॉमन लो। देखो 6 7 6 7 दोनों में कॉमन है, तो अनकॉमन क्या हुए 0 1 2 3, ये अनकॉमन हुए, लेकिन इसका बार, अब बार लेने से बची हुई सारी मिनटर्म आती हैं 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, नीचे का आएगा सिग्मा 4 5 6 7, ऊपर आएगा सिग्मा एम जीरो वन टू, ये बात क्लियर हुई। तो जोर क्या लेता है अनकॉमन, और लेता है यूनियन, एंड लेता है इंटरसेक्शन। सिर्फ इतना याद रखो, बाकी कोई कॉम्प्लीमेंटेड गेट आता है तो उसमें क्या लगा दो, एक नॉर्मल गेट के आगे इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, जो मिनटर्म्स एब्सेंट होती है उन्हीं को प्रोड्यूस कर देता है एक इन्वर्टर। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब अगला लिखना, अगला हेडिंग डालो, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर यूजिंग आ डीकोडर, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो एक 4:1 मल्टीप्लेक्सर है,
इसका आउटपुट कैसा आपका 4:1 मल्टीप्लेक्सर का, एस वन बार एस नॉट बार आई नॉट, एस वन बार एस नॉट आई वन, एस वन एस नॉट बार आई टू, एस वन एस नॉट आई थ्री। तो देखो जो I0, I1, I2, I3 के साथ टर्म्स हैं वो बेसिकली मिन टर्म्स हैं S1 और S0 की। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो M0, I0, M1, I1, M2, I2, M3, I3। कहने का मतलब मिन टर्म इज मल्टीप्लाइड विद अ इनपुट। अब मुझे क्या पता है जब मैं डिकोडर लेता हूं डिकोडर का हर आउटपुट मुझे क्या दे देता है, मिनटर्म दे देता है। तो ये मिनटर्म किससे बनाई जा सकती है, डिकोडर से। देखो एक 2:4 डिकोडर ले लो, मिनटर्म के लिए एक्टिव हाई ले रहा हूं मैं, पहला इनपुट लो S1, दूसरा इनपुट लो S0, क्योंकि मिनटर्म्स किसके टर्म में बननी है, S1 और S0। अब मेरे पास चार आउटपुट हैं Y0, Y1, Y2, Y। अब यहां से हमें मिनटर्म मिलेगी M0, M1, M2, M3। अब जो भी मिनटर्म आती है उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट कहां पहुंचना चाहिए, आउटपुट पे। तो देखो हम क्या करते हैं, इस मिनटर्म को लगाते हैं ट्राई स्टेट बफर में। इसका कंसेप्ट अभी समझते हैं। ट्राई स्टेट बफर में पहले भी बता चुका हूं, ट्राई स्टेट बफर कुछ भी नहीं होता, सिग्नल को आगे भेज देता है अगर एनेबल हाई होता है और सिग्नल को रोक लेता है अगर एनेबल लो होता है। ठीक है, ये चार आउटपुट आ गए, इन चारों को कनेक्ट कर दिया सीधे वाई से। अब देखो इसमें क्या होगा, ट्राई स्टेट बफर में, ट्राई स्टेट बफर में हम क्या बोलते हैं याद करो, ट्राई स्टेट बफर लॉजिक गेट में पढ़ा था, ऐसा था अगर एनेबल वन हुआ तो वाई पे ए जाएगा, एनेबल अगर जीरो हो गया तो y इक्वल टू z, जिसको बोलते हैं हाई इंपेडेंस, ओपन सर्किट हो जाता है। अब देखो s1 s0 के कॉम्बिनेशन से कोई एक आउटपुट हाई होगा एक समय पे, बाकी सारे क्या रहेंगे, लो। अगर बाकी के सभी लो रहेंगे तो एक बफर एनेबल होगा, बाकी के सारे क्या रहेंगे, डिसेबल। और जो बफर एनेबल होगा वो करेस्पॉन्डिंग आउटपुट कहां पहुंच जाएगा, सॉरी वो करेस्पॉन्डिंग इनपुट कहां पहुंच जाएगा, आउटपुट पे। तेरा पॉइंट देखो, फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ एस वन एंड एस नॉट, फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ एस वन एंड एस नॉट ओनली वन आउटपुट इज हाई एट अ टाइम, ओनली वन आउटपुट इज हाई एट अ टाइम एंड द करेस्पॉन्डिंग and the corresponding buffer becomes enabled, and the corresponding buffer becomes enabled, due to which corresponding input, due to which corresponding input passes to the output, corresponding input passes to the आउटपुट। देखो अब इसके अंदर क्या होगा, एस वन एस नॉट के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, चार, जीरो 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 वन, वन जीरो और वन वन। जीरो जीरो पे कौन सा आउटपुट हाई होगा, वाई नॉट, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, लो, लो हो जाएंगे। फिर जीरो वन पे वाई वन, जीरो वन जीरो पे वाई टू,
और 1-1 पे y 3। अब जो आउटपुट हाई हुआ उसके वाला बफर हो जाएगा एनेबल, y नॉट हाई होने से ये पहला बफर एनेबल हो गया और आगे क्या चला गया i नॉट, ठीक है। y 1 वाला हाई होने से दूसरा बफर एनेबल हुआ, आगे गया i 1, फिर तीसरा हुआ तो i 2 और चौथा हुआ तो i 3। तो ये तो मल्टीप्लेक्सर का काम होता है, एक पर्टिकुलर इनपुट सॉरी सिलेक्ट लाइन के लिए एक इनपुट को आउटपुट पे भेज देना, ठीक है। तो यहाँ एंड गेट वगैरह यूज करने से बच गए, वरना इसको देख के दिमाग में क्या आता कि एंड गेट लगा लो, हर एक मिनटम का प्रोडक्ट ले लो इनपुट से और बाद में क्या लगा दो और गेट, लेकिन बफर से एक काम ज्यादा इजीली परफॉर्म हो सकता, ठीक है। इससे नंबर ऑफ लॉजिक गेट तुम्हारे कम हो जाएगी। अब इसका नेक्स्ट स्टेप डालना, इंप्लीमेंटेशन ऑफ हायर ऑर्डर डिकोडर यूजिंग लोअर ऑर्डर डिकोडर। अब यही चीज हमने डी मल्टीप्लेक्सर में भी की थी, हायर ऑर्डर डी मल्टीप्लेक्सर यूजिंग लोअर ऑर्डर डी मल्टीप्लेक्सर, यही चीज मल्टीप्लेक्सर में भी की थी। सिंपल तरीका क्या बताया था कि हमें सक्सेसिव डिवीजन करना पड़ता है, सेम चीज यहां करेंगे, सक्सेसिव डिवीजन करेंगे। तो इसमें देखो, जस्ट लाइक डी मल्टीप्लेक्सर मेथड ऑफ सक्सेसिव डिवीजन is employed based on the number of output। देखो जैसे 4:16 डिकोडर अगर बनाना है using 2:4 डिकोडर, ठीक है। तो यहां आउटपुट कितने हैं 16 और पहले वाले में कितने हैं 4, तो सक्सेसिव डिवीजन करोगे तो सही लेकिन आउटपुट को लेके 16/4 कितना आया 4 और फिर 4/4 कितना आया 1। तो इसमें जैसे डी मल्टीप्लेक्सर में था यहां सेकेंड स्टेज यूज होगी और यहां फर्स्ट स्टेज, ठीक है। डी मल्टीप्लेक्सर में भी तो उल्टा चल रहा था, नीचे वाली को फर्स्ट स्टेज बोलते हैं और ऊपर जाते आते आगे वाली स्टेजेस आती है। देखो कैसे बनाओगे, पहले 2:4 डिकोडर लोगे और इसमें कौन से इनपुट लोगे, इसके अंदर लेना पड़ेगा हमें कौन से इनपुट ले भाई, लीस्ट वाले या हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले, इसके अंदर लिए जाएंगे कौन से, एक बार सोचो। डी मल्टीप्लेक्सर में हमने क्या यूज किया था, लेस प्रायोरिटी या हाई प्रायोरिटी। तो देखो पहले हमें पहली स्टेज में कितने डिकोडर लगाने हैं, एक डिकोडर लगाना है, ठीक है। एक डिकोडर में कितने आउटपुट आएंगे 4, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लगाते हैं एमएसबी, यहां एलएसबी और यहां एमएसबी, या तो डी मल्टीप्लेक्सर में भी ऐसे ही हुआ था। तो यहां पे जो दो इनपुट हैं यहां पे कौन से लगाओगे, i3 और i2, ये दो इनपुट लगे जो एमएसबी वाले, इस स्टेज की बात कर रहा हूं फर्स्ट स्टेज की, और इसका एनेबल रख दो हाई, ये एनेबल कर दिया हाई। अब क्या करोगे, इसके अगली स्टेज में कितने डिकोडर आने हैं 4 आने हैं ना, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। हर एक के अंदर क्या होगा, एक एनेबल इनपुट होगा, अब हर एक के अंदर एक एनेबल इनपुट होगा तो जो आउटपुट जा रहा है ना उसको एनेबल में भेज दो,
ठीक है, मतलब पहली स्टेज का जो आउटपुट है वो अगली स्टेज के लिए क्या बनता है, एनेबल बनता है। यही तो डीमल्टीप्लेक्सर में भी हुआ था। अरे भाई डीमल्टीप्लेक्सर में एनेबल की जगह क्या था, इनपुट था, तो जो आउटपुट था वो इनपुट में लग रहा था, ठीक है, सिलेक्ट लाइन अलग थी। यहां इनपुट को किसका नाम दिया, एनेबल का, तो जो आउटपुट है वो किसमें जा रहा है, एनेबल में। अब यहां इनपुट में क्या लगेगा, यहां लगेंगी लेस वाली बिट्स आई वन आई नॉट, फिर इधर से भी आई वन आई नॉट, इधर से भी आई वन आई नॉट। पहले जो इनपुट से डी मल्टीप्लेक्सर में इन्हें सिलेक्ट लाइन बोला जाता था, ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया भी था। अब देखो यहां आउटपुट कैसे मिलेंगे, वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव वाई सिक्स और वाई सेवन, फिर वाई एट वाई नाइन वाई टेन वाई इलेवन वाई ट्वेल्व वाई थर्टीन y14, y15। तो 0 से 15 तक आउटपुट आ गए, इसका मतलब 16 आउटपुट हमें मिल चुके हैं। तो डिजाइनिंग डी मल्टीप्लेक्सर की तरह ही है, बट फर्क इतना है कि वहां एनेबल को इनपुट का नाम देते थे, तो पहली स्टेज का आउटपुट किसमें जाता था, इनपुट में, और इनपुट को किसका नाम देते थे, सिलेक्ट लाइन का। तो यहाँ इनपुट क्या है, सिलेक्ट लाइन है डी मल्टीप्लेक्सर की, और एनेबल क्या है, इनपुट है। तो पहली स्टेज का आउटपुट दूसरी स्टेज में एनेबल में लगेगा। अब देखो काम कैसे करेगा, मान लो 0 0 है तो कौन सा आउटपुट हुआ, हाई वाई नॉट, वाई नॉट के हिसाब से पहला डिकोडर एनेबल हो गया। अब 0 0 होगा तो वाई नॉट, 0 1 होगा तो वाई वन, 0 1 0 होगा तो वाई टू, 1 1 होगा तो वाई थ्री। तो ओवरऑल क्या हुआ, ये दोनों 0 0 थे, 0 0 0 0 तो वाई नॉट, 0 0 0 1 वाई वन, 0 0 1 0 y2, 0 0 1 1 y3। 0 1 होता अगर, 0 1 होता तो y1 एनेबल होता, y1 एनेबल होता तो सेकंड डिकोडर एनेबल होता। अब देखो 0 1 0 0 क्या आया, y4, 0 1 0 1 y5, 0 1 1 0 y6, 0 1 1 1 y7, इस तरह से, ठीक है। तो MSB के हिसाब से ये सिलेक्ट करना है कि अगली स्टेज का कौन सा डिकोडर एनेबल होगा, और उसी हिसाब से हमारा आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो इसमें एक खासियत क्या थी कि हर स्टेज पे डिवीजन क्या आ रहा था, एक इंटीजर आ रहा था। लेकिन हमने मल्टीप्लेक्सर के अंदर भी ये बात देखी थी, ऐसा जरूरी नहीं हर एक डिवीजन एक इंटीजर वैल्यू दे, फ्रैक्शन भी तो आ सकती है। तो इसमें लिखना, इफ द डिवीजन और इफ द फाइनल डिवीजन इज अ फ्रैक्शन देन इन फर्स्ट स्टेज इंस्टेड ऑफ अ डिकोडर वी यूज We use an inverter with MSB as the input. तो एक example लेते हैं, देखो जैसे 4:16 की जगह इधर होगा 3:8, तो पहले 8/4 करते कितना आता, 2 आता, फिर 2/4 जब करते तो ये 0.5 आता। अब अगर ये फ्रैक्शन आ गया इंटीजर नहीं आया, तो पहली स्टेज में डिकोडर का नहीं बल्कि किसका यूज होगा, नॉट गेट का। अब वो देखो कैसे, सेकंड स्टेज में कितने डिकोडर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं ना, 8/4 से 2 डिकोडर लगा, इसका आउटपुट जैसे y0, y1, y2, y3, अगले वाले में से क्या ले लोगे, y4, y5, y6, y7, 8 आउटपुट आ गए।
अब इनके इनपुट्स होंगे I1, I0, I1, I0. तो इनपुट जो है नीचे वाली बिट्स दोगे, जैसा मैंने लिखा हुआ भी है LSB, तो BC. अब क्या होगा, पहले हम MSB को एक डिकोडर में दे रहे थे पिछले एग्जांपल के अंदर, बट इस बार MSB को डिकोडर में नहीं दोगे, क्या करोगे MSB एज इट इज ले लो, इसको यहां एनेबल में पास करो। अब देख, अगर ए जीरो है, अगर ए जीरो है तो यहां जीरो गया, ये वाला डिसेबल हो गया, यहां वन गया तो पहला डिकोडर एनेबल हो गया, ए को जीरो रखता है। अब जीरो जीरो पे क्या आएगा, वाई नॉट, जीरो वन पे वाई वन, वन जीरो पे वाई टू और वन वन पे वाई थ्री। लेकिन ए तो जीरो था ना, तो इफेक्टिवली क्या बना, जीरो 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 पे वाई नॉट, जीरो जीरो वन पे वाई वन, जीरो वन जीरो पे वाई टू और जीरो वन वन पे वाई थ्री। अब देखो ए वन होता अगर तो यहां जीरो जाता तो ये वाला डिसेबल हो गया और वन होने से नीचे वाला एनेबल हो गया। अब देखो वन जीरो जीरो कौन एनेबल हुआ, वाई फोर, वन जीरो वन वाई फाइव, वन वन जीरो वाई सिक्स, वन 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 वाई सेवन। तो आगे सारे कॉम्बिनेशन सही, तो इसका मतलब जब कभी फ्रैक्शन में आए तो पहली स्टेज में इन्वर्टर लगाना ना कि डीकोडर, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन ट्राई करो, इंप्लीमेंट 4:16 डीकोडर, 4:16 डीकोडर यूजिंग 3:8 डीकोडर, इंप्लीमेंट 4:16 डीकोडर यूजिंग 3:8 डीकोडर, ठीक है। अब देखो पहले ट्राई करो फिर सॉल्यूशन देखना, तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, 16 को 8 से डिवाइड करते 2 आता, फिर 2 को 8 से डिवाइड करते आता 0.25। तो ये तो हुई सेकेंड स्टेज, ये हुई फर्स्ट स्टेज, यहां लगेगी LSB, यहां लगेगी MSB, ठीक है। अब हमें सेकेंड स्टेज में 2 3×8 के डीकोडर लेने हैं, तो मैं दो बॉक्सेस बना लेता हूं, दोनों में कितने कितने आउटपुट होंगे, 8 आउटपुट होंगे हर एक में, तो वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव, वाई सिक्स और वाई सेवन, ऐसे ही वाई एट, वाई नाइन, वाई टेन, वाई इलेवन, वाई ट्वेल्व, वाई थर्टीन, वाई फोर्टीन, वाई फिफ्टीन, या एनेबल, I2, I1, I0, I2, I1, I0। तो सेकेंड स्टेज में जो इनपुट है वो तो LSB होंगे, जैसे ABCD है तो LSB कौन सी है इसमें, या लेस सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है, BCD। ये मत सोचना लीस्ट बिट की बात कर रहा हूं, तीन चाहिए तो तीन नीचे वाली लो, तीन नीचे वाली कौन सी है, BC और D, ऊपर वाली कौन सी है, A। अब मैंने बोला MSB को एज इट इज यूज करना होता है, तो पहले के अंदर इन्वर्टर के थ्रू जाएगी, दूसरे के अंदर डायरेक्टली चली गई, ये हो गया A। अब देखो A को जीरो रखूंगा तो पहला डिकोडर चलेगा, A को वन रखूंगा तो दूसरा डिकोडर चलेगा। तो पहला डिकोडर अगर चलता है 0000 पे वाई नॉट, 0001 पे वाई वन, इस तरह से आएगा, वन रखोगे तो 1000 पे वाई एट, 1001 पे वाई नाइन। तो इस तरह से हमारे 16 आउटपुट बन जाएंगे, पर ये ध्यान रखो जब लास्ट स्टेज में फ्रैक्शन आता है, सॉरी लास्ट डिवीजन में फ्रैक्शन आता है तो नॉट गेट का यूज करते हैं। अब देखो इसको जनरलाइज कर देते हैं, तो इसमें लिखना टू इंप्लीमेंट n is to 2 to the power n decoder, यहां से देख के लिखो n is to
टू टू दी पावर एन डिकोडर यूजिंग एन माइनस वन इज टू 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 दी पावर एन माइनस वन डिकोडर एन माइनस वन इज टू 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 दी पावर एन माइनस वन डिकोडर देखो फोर इज टू सिक्सटीन फोर माइनस वन थ्री इज टू एट डिकोडर इन द फर्स्ट स्टेज नो डिकोडर इज कनेक्टेड इन द फर्स्ट स्टेज नो डिकोडर इज कनेक्टेड but we use MSB in normal and complemented form we use MSB in normal and complemented form to enable the two decoders in the second stage so MSB is used as enable input MSB is used as enable input and rest of the bits are used as input to the decoder and rest of the bits are used as input to the decoder ठीक बात है ये चीज क्लियर हुई वाला केस अगर जनरलाइज कर दें तो जब फर्स्ट स्टेज के अंदर डिकोडर ना लगा पाओ तो किसका यूज करना पड़ता है इन्वर्टर का एनेबल करने के लिए अलग अलग डिकोडर्स ठीक है अब देखो एक चीज समझते हैं जिसपे कि मैं क्वेश्चन देने वाला हूं होमवर्क क्वेश्चन सेवन सेगमेंट कोडिंग अब सेवन सेगमेंट डिस्प्ले कैसा होता है बहुत जगह देखा होगा जो डिजिटल डिस्प्ले आजकल दुकानों के बाहर लगे रहते हैं देखा है कि नाम दुकान का बार बार ऐसे ऑसिलेट करता रहता है कभी लेफ्ट जाएगा कभी राइट जाएगा उसे बोलते हैं सेवन सेगमेंट डिस्प्ले उससे भी ज्यादा कॉमनली तुम्हारे कैलकुलेटर के अंदर अगर नॉर्मल कैलकुलेटर ऑफलाइन कैलकुलेटर यूज करते हो उसकी हर डिजिट है सेवन सेगमेंट डिस्प्ले सेवन सेगमेंट डिस्प्ले कैसा होता है देखो कुछ इस टाइप का नंबर होता है इसमें हर एक एक एलईडी है एलईडी को नाम दे देता हूं कितनी एलईडी हुई सात हुई इसीलिए बोल रहे हैं सेवन सेगमेंट अब देखो इसमें अगर वन करना है वन डिस्प्ले करना है तो वन ऐसे हो जाएगा तो कौन कौन सी एलईडी चलानी पड़ेगी बी और सी बाकी सबको ऑफ रखोगे टू बनाना है तो टू में कौन कौन चल रहा है ए बी जी ई डी ये वन हो गए ठीक है ऐसे ही थ्री बनाना है कौन कौन वन होगा एफ और ई को छोड़ के सारे ए बी सी डी जी ठीक है ए बी सी डी जी ये हो गए वन इस तरह से कोई भी नंबर डिस्प्ले कर सकते हो कुछ पर्टिकुलर एलईडी को ऑन करके तो कहां तक नंबर आ सकते हैं भाई जीरो से लेकर के नाइन तक अब जीरो से नाइन तक नंबर और कहां आते हैं जीरो से नाइन तक नंबर आते हैं हमारे बीसीडी कोड में तो क्वेश्चन ऐसा है क्वेश्चन लिखो डिटरमाइन द ट्रुथ टेबल फॉर बीसीडी टू सेवन सेगमेंट डिकोडर बीसीडी टू सेवन सेगमेंट डिकोडर तो बीसीडी में जीरो से नौ तक नंबर दिखाने के लिए कितनी बिट्स का यूज करोगे चार तो चार इनपुट लेने हैं जो चार बिट्स हैं बीसीडी की और आउटपुट कितने होंगे सात तो तुम्हें हर इनपुट के लिए बताना है कौन कौन सी एलईडी ऑन होगी तो वो आउटपुट को वन रखोगे और जो ऑफ होंगी उन आउटपुट को जीरो रखोगे तो एक ऐसी ट्रुथ टेबल बनानी है जो जीरो से नाइन तक नंबर्स को बीसीडी में कोड कर रही है और इधर करेस्पॉन्डिंग एलईडीज को ऑन कर रही है ठीक है तो उसे बोलते हैं बीसीडी टू सेवन सेगमेंट डिकोडर ऐसा भी डिकोडर बनाया जाता है अगर तुम्हें किसी भी नंबर को सेवन सेगमेंट डिस्प्ले पे दिखाना है तो बीच में एक डिकोडर लगेगा बीसीडी टू सेवन सेगमेंट डिकोडर उसकी ट्रुथ टेबल लिखना उस
उसके ट्रुथ टेबल को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास में हम साथ ही में देखेंगे डिकोडर का जो इन्वर्जन होता है, जो इससे उल्टी डिवाइस है जिसे कहते हैं एनकोडर, तो एनकोडर की बात करेंगे अगली क्लास के अंदर, और इस प्रॉब्लम का हम लोग सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिकोडर के अंदर इतना ही होता है, तो डिकोडर पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर एनकोडर और कवर करने के बाद डिकोडर और एनकोडर की कंबाइंड प्रॉब्लम सारी टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।